सो हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। अजीत के ब्लॉग चैनल में स्वागत है। अभी अब चल रहे हैं सर्विस कराने बाइक की। आज कराएंगे सर्विस, आज है संडे। आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल में। अभी चलते हैं। मम्मी मैं जा रहा हूँ फिर, ठीक है, सर्विस कराने। अभी मैं बता दूँ आपको, मैं अभी निकलूँगा यहाँ से। और ये देख सकते हो, अभी गाड़ी भी नहीं निकाली है मैंने, देख सकते हो नीचे की साइड। नीचे आपको कुछ नहीं दिखेगा क्योंकि अभी मैंने गाड़ी निकाली नहीं है एक्चुअली। अब गाड़ी निकालूंगा, उसके बाद चलूंगा सर्विस कराने। और दिक्कत क्या थी कि उसमें थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, हैंडल ठीक कराना है, तो हैंडल वगैरह ठीक कराएंगे, उसके बाद चलते हैं फटाक से। और गाड़ी को उतारते हैं फटाक से नीचे और फिर करते हैं स्टार्ट। अभी चल रहे हैं सर्विस का, तो अभी रास्ते में थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे, उसके बाद आगे का व्यू दिखाते हैं। अभी आपको बता दूं यहाँ पे क्या नाम है, कंस्ट्रक्शन अभी जो देहरादून एक्सप्रेस वे बन रहा है वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। अगर कंप्लीट हो जाता तो थोड़ा अच्छा व्यू आता देखने को। अभी बन ही रहा है पूरा एक्सप्रेस वे, तो यहाँ से आगे का सारा जितना भी आप आगे का व्यू देख रहे हो, ये आपका बोर्ड लग रहा है ना, धन्यवाद दिल्ली में पुनर्पधारे हैं, तो थैंक्स फॉर विजिट अगेन। तो ये सारा एरिया यूपी में लग जाता है और इससे पहले का सारा दिल्ली में है। तो अभी भी काम चल रहा है यहाँ पे देहरादून एक्सप्रेस वे का, जैसा कि आप देख रहे हो ये बोर्ड वगैरह, मतलब कि कंस्ट्रक्शन मशीन वगैरह आपने देखी होंगी। तो अभी काम ही चल रहा है। कुछ भी कहो, एक चीज़ मैं बता दूँ, ये बनने के बाद काफ़ी खूबसूरत खूबसूरत लगने वाला है। तो अभी तो फिलहाल काम ही चल रहा है इसका। सही है भाई, सही है, बढ़िया लगेगा बनने के बाद नोएडा एक्सप्रेस वे। यहाँ पे गाड़ी लाके खड़ी कर दी है सर्विस यहाँ पे, तो अभी रिपेयर कराएंगे हैंडल। कहीं और से भी ये ठीक कराया था मैंने, क्या नाम है, वहाँ पे टाइट चल रहा था ना, तो मैंने दूसरी जगह से ढीला करवाया था, तो अभी वो सही से बनाया नहीं है उसने हैंडल। टाइट नहीं है, ज्यादा टाइट है ना, अब मेरे को नहीं पता लग रहा था। ये मेरे पापा हैं वो कह रहे थे बहुत ज्यादा टाइट है, आप भी कह रहे हो टाइट है तो होगा टाइट, मेरे को तो ढीला ठीक ही लग रहा था। ऊबड़ खाबड़ से रोडों के चक्कर में इतना टाइम लग जाता है कि पूछो मत। और कभी कभार यहाँ इतना गंदा जाम लग जाता है कि यहीं से निकलने में आधा एक घंटा लग जाएगा आपको। अबे यहाँ से आगे जाने पे वो मामा लोग खड़े रहते हैं, तो थोड़ा नीचे से निकालनी पड़ेगी गाड़ी, गियर तुरंत ही निकालने पड़ते हैं गाड़ी को, वरना गाड़ी बंद हो जाएगी। अभी आ गए हैं गाड़ी के पास और गाड़ी को कर लेते हैं वॉश, तो गाड़ी मिलते हैं गाड़ी धोने के बाद। तो अभी के लिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं, तो अभी गाड़ी धोते हैं, फिर आने के बाद नीचे गाड़ी धोने के बाद मिलते हैं आगे ब्लॉक में, आगे कंटिन्यू बढ़ते हैं ब्लॉक को। चलिए बाय बाय।
तो गाइस अभी भर रही है बाल्टी, बाल्टी को भरने के बाद फिर स्टार्ट करेंगे अपनी गाड़ी वॉशिंग। तो अभी आप देख सकते हो सामने भरने के बाद अब डालेंगे इसमें शैम्पू। हाँ लाओ शैम्पू, तो यहीं से भर लिया। हाँ यहीं से भर के नीचे ले जाऊंगा। लाओ जजे में डाल, ये है भी इसमें कुछ मम्मी। तो ये शैम्पू डालने के बाद एक अच्छा निखार आएगा गाड़ी पे। पानी पानी नहीं, ऐसी हो जाएगा ये देखो। मर पानी अंदर है उसमें। अरे वो भर लूंगा मैं। पुली भाई है ना, अरे उसमें पानी भर ले, सब निकल ले। अब एक हाथ से नहीं हो पाएगा। ऐसे होता शैम्पू में, ऐसे होता। अभी हो चुकी है बिल्कुल न्यू। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, बिल्कुल नई कर दिया गाड़ी। आग तक धुलने के बाद सही लगती है गाड़ी। एक चीज मैं आपको बताऊं, एक एक इंजन ढंग से साफ कर दिया आप देख सकते हो। चलो सही है, गाड़ी तो धुली गई। मिलते हैं फिर आगे ब्लॉग में। सो गाइस गाड़ी को हमने धो लिया अच्छे से, तो गाड़ी हो चुकी है एकदम नई। और फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मम्मी बोलो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, कोई नहीं इनकी बात समझना मत, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वो दादी लेटी हुई है, दादी से पूछते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अरे किसी पे नहीं बोला यार। ठीक है कोई बात नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।